आप विदेश में घूमने गए हैं और आपका पासपोर्ट खो गया है, क्या काम करें? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घूमने जाते हैं, इस दौरान उनकी बहुत सारी चीज़ें गुम जाते हैं। छोटी मोटी चीज़ों का खोना तो हम बेयर कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, आप जिस चीज़ को लेकर विदेश में ट्रेवल करने गए हैं वही चीज़ आपकी खो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? आज आपको यही बताएंगे। देख रहे हैं आप एवन न्यूज़, मेरा नाम है मेघा, स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। कहीं भी विदेश जाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। विदेश में कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पासपोर्ट आजकल सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन, पासपोर्ट, पर्स चोरी या गुम हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, और अगर आपका पासपोर्ट गलत हाथों में लग गया तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। अगर आपका पासपोर्ट विदेश में कहीं गुम गया है तो आपको विदेशी अधिकारियों को समझाने में दिक्कत आ सकती है कि आप भारत के नागरिक हैं। ऐसे में तुरंत जाकर फॉरेन ऑफिसर को इस बारे में जानकारी दें। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आपको आसान से स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपना पेशेंस ना खोएं, घबराएं नहीं, पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। आपको सबसे पहले जहां पर आप हैं, जहां पर आपका पासपोर्ट गुम हुआ है, वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी शिकायत दर्ज करानी है। उनको पूरी बात बताइए, कैसे आपके का पासपोर्ट गुम हुआ है। आप उन्हें अपने पासपोर्ट का नंबर भी शेयर करिए। शिकायत की कॉपी ज़रूर लें। जब आपने उनसे शिकायत कर दी तो अपनी एप्लीकेशन की एक कॉपी ज़रूर लें। इससे आपको पासपोर्ट रीइशू होने में मदद मिल जाएगी। ये तो हो गई वहाँ की बात, जिस देश में आपका पासपोर्ट गुमा है आपको वहाँ क्या करना है। इसके अलावा आप वहीं पर मौजूद इंडियन एम्बेसी के पास जाएं। पासपोर्ट खोने पर शिकायत दर्ज करने के बाद आप इंडियन एम्बेसी भी जाएं और उन्हें अपनी पूरी बात बताएं। वो आपको भारत वापस भेजने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। एमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। आप इसके लिए इंडियन एम्बेसी के पास जाकर उनसे अपनी बात पूरी रख के एक एमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आप अपना वीज़ा रिन्यू करा लें। इसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी में जाना होगा, क्योंकि जब तक आपको पासपोर्ट रीइशू होगा, आपकी एप्लीकेशन पर आगे एक्शन लिया जाएगा, तब तक हो सकता है कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए। और अगर आप वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी किसी भी देश में रहेंगे तो आपको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा लें, और जब तक आपकी पासपोर्ट संबंधित शिकायत का निवारण नहीं हो जाता आप तब तक वहीं पर रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। A1 न्यूज़ देख रहे थे आप, नमस्कार।